नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। आज भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा IGIMS को 6 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री RK सिंह समेत NTPC के वरीय अधिकारी और IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि IGIMS बिहार का बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एम्बुलेंस आज दी गई है। इस एम्बुलेंस के मिलने में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का भी योगदान है। इस कोरोना के संकट में एम्बुलेंस का बड़ा महत्व है। जितना अधिक एम्बुलेंस रहेगी उतना ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि बिहार सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में सूचना देने पर 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी, जिसके लिए 1000 एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी है। 1000 में 534 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त रहेगी जो बिहार के सभी प्रखंडों में दी जाएगी। वहीं बाकी अन्य एम्बुलेंस भी LS एम्बुलेंस रहेंगी। फ्लैग ऑफ करें और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को सौंप दें। यहां उपस्थित और विभिन्न सरकार माध्यमों से जुड़े हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे इस क्षण में सबके साथ सम्मिलित हो और तालियों से इस क्षण का सभी स्वागत करें। May I have a big round of applause, please? Advanced Life Support Ambulance को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को सौंप। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने हेतु मैं NTPC पूर्वी क्षेत्र 1 के कार्यकारी निदेशक श्री विजय सिंह सर से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्वागत संबोधन दें। सभी को नमस्कार। हम सबके गर्व का विषय है, इस सामाजिक योजना के पूर्ण हो जाने से इंदिरा गांधी आरोग्य संस्थान पटना में रोगी वाहनों की समस्याओं से राहत मिलेगी। इसके अलावा सौर लाइट, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी NTPC अपना निरंतर बहुमूल्य योगदान दे रही है। मुझे संतोष होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि मैंने सर आज एडवांस एम्बुलेंस का यहाँ पर हुआ है। IGIMS बिहार का एक बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और आज भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 4 ALS एम्बुलेंस इस संस्थान को दिया गया आदरणीय RK सिंह जी केंद्रीय मंत्री के द्वारा, और आदरणीय विजेंद्र बाबू भी इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित रहे। इस एम्बुलेंस को मिलने में उनका भी प्रयास रहा, इसके लिए हम भारत सरकार का और सभी लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इस कोरोना के संकट के समय में एम्बुलेंस का बहुत ही महत्व है और जितना एम्बुलेंस रहता है लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचने में सुविधाएँ होती हैं। और बिहार की सरकार ने तय किया है कि आगे आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में हम 20 मिनट के अंदर मरीज की सूचना देने पर उसको उसके घर तक पहुंच सके और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर पहुंच सके। और इस सोच के साथ बिहार सरकार की कैबिनेट ने 1000 एम्बुलेंस नया लाने का योजना स्वीकृत किया है और उस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। बहुत शीघ्र ये 1000 एम्बुलेंस आएगा, जिसमें 534 जो आज एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस आया है, इस प्रकार का एम्बुलेंस होगा जो सभी प्रखंडों में जाएगा। और इसके अलावे जो शेष बच्चे होंगे वो BLS एम्बुलेंस होगा। तो इस प्रकार से एक स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी और लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। और आज भी IGIMS को जो ये ALS मिला है, पहले 2 ALS यहाँ थे, अब 4 और जुड़ गए, तो ये बहुत बड़ी सुविधा। और इसमें से 1 ALS ऐसा होगा
जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में लाने का निर्णय हुआ है, तो गरीब लोग घर से मुफ्त में इस ALS का भी लाभ ले पाएंगे। तो आज ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। ALS है फिलहाल बिहार में, अभी सभी जिलों में एक एक ALS हैं। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं उन अस्पतालों में अलग से हैं, और इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि एक बड़ा व्यापक आधारभूत परिवर्तन दिखेगा जब सभी ब्लॉक्स में ALS एम्बुलेंस आ जाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।